सही ग्लास चुनकर विस्की पीने का मजा कुछ अलग ही होता है दोस्तों। और हम सबको मालूम है कि कौन सा ग्लास किस में फिट बैठता है, फिर भी मैं इस वीडियो के दौरान आपको थोड़ा सा और पॉलिश करना चाहूँगा। एज अ विस्की लवर आप सबको मालूम है कि कौन सा ग्लास में विस्की को सर्व किया जाता है। जो मोस्टली है वो है ये ग्लास, ओल्ड फैशन ग्लास, और ये ग्लास में ही मैक्सिमम टाइम में विस्की सर्व किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लास होते हैं जहाँ पर भी विस्की सर्व किया जाता है। इसमें बहुत बात भी हो चुका है कि ये परफेक्ट ग्लास नहीं है, मगर मैं मानता हूँ और आप अगर विस्की लवर है तो शायद आप भी मानते होंगे कि ये है परफेक्ट ग्लास फॉर द विस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्लास क्यों परफेक्ट है और इसके अलावा भी कौन सा ग्लास है जहाँ पर विस्की को सर्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूजली तीन ग्लास में विस्की को सर्व किया जाता है। एक है कॉपीटा ग्लास, और आप बोल सकते हैं इसको ट्यूलिप शेप्ड ग्लास, और है ग्लेन क्रेन ग्लास जो मोस्टली फेमस है विस्की सर्व करने के लिए, और द थर्ड वन इज जो मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, द ओल्ड फैशन ग्लास और रॉक ग्लास या विस्की ग्लास, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तीन ग्लास में ही बेसिकली विस्की को सर्व किया जाता है। तो चलिए पहले कॉपीटा ग्लास क्या है उसको पहले जान लेते हैं। कॉपीटा ग्लास यानी ट्यूलिप शेप ग्लास आप बोल सकते हो, ये एक ट्रेडिशनल स्पेनिश ग्लास है जहाँ पर शेरी को सर्व किया जाता है। इस ग्लास में विस्की पीने का मजा ही कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि ये ग्लास पसंद करता है मस्टर्ड डिस्टिलियर, विस्की कॉनोसूर, मस्टर्ड ब्लेंडर्स, इन लोग, क्योंकि ये एक यूनिक शेप ग्लास है जहाँ पर मोस्टली विस्की को नोजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये मास्टर ब्लेंडर, मास्टर डिस्टिलियर्स, ये जो विस्की कॉनोसूर होता है, ये नोज के मामले में बहुत आगे हैं। वो लोग पहले उसको सूंघ के परखते हैं। ये जो नोजिंग पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप विस्की लवर है तो ये ग्लास उसमें बहुत फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है वो एक अलग डिज़ाइन है, और इसका जो लॉन्ग स्टेम है ये प्रिवेंट करता है हाथ से नोज का डिस्टेंस, क्योंकि कभी कभी होता है क्या, आप अगर बहुत करीब से विस्की का नोज करने का कोशिश करोगे तो क्या होता है, बॉडी का जो फ्लेवर है वो भी घुस जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है, इतना एक बड़ा सा गैप होता है विस्की जब नोज किया जाता है तब। और इसके अलावा, और इसका जो बोल शेप डिज़ाइन है ये विस्की को बहुत कॉन्सेंट्रेट करता है और ढकेलता है ऊपर की तरफ, और नैरो रिम की चलते वो नोज के आसपास एरोमा और विस्की का जो फ्लेवर वो घूमता रहता है। तो ये एक परफेक्ट एक्सपीरियंस देता है जब आप बहुत अच्छे और एक्सपेंसिव विस्की को आप नोज करते हो तब। और इसका जो स्टेम है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू वाइन ग्लासेस, क्योंकि स्टेम छोटा होने के नाते आप उसको कंफर्टेबली ग्रिप कर सकते हो, और अगर आप चाहो, जैसे कि मेरे पास एक ग्लास है, अगर आप चाहो, ये तो चलो विस्की ग्लास नहीं है, ब्रांडी ग्लास है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहो ऐसे होल्ड करके आपका जो बॉडी टेम्परेचर है आप इसमें डाइवर्ट कर सकते हो, तो आपका जो विस्की है वो और भी ज़्यादा वार्म होता है फ्लेवर को जनरेट करने के लिए। तो आप ये कर सकते हो इस ग्लास के साथ बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्टेम, छोटा स्टेम के लिए। तो ओवरऑल कॉपीटा ग्लास बहुत सही है सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए, जो ट्रूली एप्रिशिएशन दे सकता है आपकी सिंगल मॉल्ट विस्की को। आगे बढ़ते हैं सेकंड ग्लास की तरफ, जो है ग्लेन क्रेन ग्लास। अक्सर विस्की को इसी ग्लास में नोजिंग किया जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं सीप करने का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोज करने का। ये सब जो ग्लास है ये सीप से भी ज़्यादा नोजिंग में काम आता है, एंड दीज ग्लास कंसिडर मोर रोबस्ट वैशल, जिसके कारण विस्की को और रूम मिलता है खिलने के लिए। इसका जो बोल शेप है नीचे की तरफ बहुत बड़ा है, और इसका जो शेप है और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत शॉर्ट एंड सॉलिड स्टेबल है। जो लोग स्टेम बिल्कुल पसंद नहीं करता है उन लोगों के लिए ये ग्लास बहुत ही अच्छा है। और ये ग्लास थोड़ा सा थिक है, यानी थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा वेटी भी है, तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है जब आप इनसे विस्की को सीप करेंगे तो। और ऐसे ये छोटा ग्लास है इसलिए आप जब
व्हिस्की को सुडल करते हैं अंदर में, जो रोटेट करते हैं, ये जो बड़ा बोल शेप है, जो नीचे की तरफ जो बोल है वो बहुत वाइड है, तो इसलिए आपका जो व्हिस्की है बहुत अच्छा सुडल भी होता है। और इसमें जो एरोमा जनरेट करता है, अगेन नैरो स्पेस की चलते आपको बहुत ही अच्छा एक व्हिस्की का जो फ्लेवर से एरोमा से वो आता है। और ये सीप करना भी आसान है क्योंकि इसका डिकेंटर शेप है, तो आप जब सीप करोगे डायरेक्टली आपका पैलेट में आ सकता है। ये एक यूनिक ग्लास है, अगर कहा जाए तो दिस ग्लास इज सोल्ली डेडिकेटेड टू सिंगल मॉल्ट व्हिस्की। अब आता हूँ दोस्तों थर्ड ग्लास की तरफ, जो है ओल्ड फैशन ग्लास, हम लोगों का सबका प्यारा ओल्ड फैशन ग्लास। और ये शायद आपको कोई भी बार में दिख जाएगा, इसको रॉक ग्लास भी बोलते हैं और इसको हम लोग व्हिस्की ग्लास भी बोलते हैं। दोस्तों ये ग्लास में व्हिस्की पीने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि अगर आप सिंगल मॉल्ट भी पी रहे हो या कोई भी बहुत एक्सपेंसिव व्हिस्की या कुछ भी, कभी भी कोई भी बार में जाओ तो आपको शायद इस ग्लास में ही सर्व किया जाएगा। इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि इसका वाइड रिम है और इसका जो फील है बहुत मैनली होता है, क्योंकि ये बहुत वेटी किस्म का एक ग्लास है। और दोस्तों इसमें नोजिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उतना सोच के व्हिस्की तो पीते नहीं है, हम लोगों को बस व्हिस्की का मज़ा लेना है, तो बस ये नोजिंग के लिए उतना परफेक्ट तो है नहीं, वह आइडियल नहीं है। फिर भी ये बहुत कमाल का एक ग्लास है दोस्तों, क्योंकि इसका वाइड रिम के चलते आप चाहो तो लॉट्स ऑफ आइस डाल के इस व्हिस्की का मज़ा ले सकते हो, जो आप ग्लेनट्रेन और कोपीटा ग्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आइस डालना भी एक आर्ट हो जाएगा और बड़ी आराम से धीरे से, है ना। ये ग्लास आपको इतना रूम देता है कि आप आइस डाल के पी सकते हो। ये ग्लास में एरोमा भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर स्प्लैश ऑफ वाटर डालोगे फिर भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत वाइड है। हालांकि नोज के लिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ग्लास परफेक्ट नहीं है, क्योंकि एरोमा चारों तरफ से उड़ जाएगा। और इसका सिंपल डिज़ाइन और आसान करता है आपको इस ग्लास को होल्ड करने के लिए, बहुत मैनली भी फील देता है, अच्छा लगता है जब हम लोग इसमें व्हिस्की पीते हैं ना। ये ग्लास परफेक्ट है कॉकटेल्स के लिए भी। मान लीजिए आप कोई व्हिस्की कॉकटेल भी बनाना चाहते हैं या मॉडल करना चाहते हैं या कोई भी इंग्रेडिएंट्स को मॉडल करना चाहते हैं, इस ग्लास के अंदर ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लास बहुत भारी है, बहुत वेटी है, बहुत रूम भी देता है आपको मॉडलर को यूज़ करने के लिए। इसलिए ये ग्लास व्हिस्की कॉकटेल के लिए भी बहुत पॉपुलर है। और इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत बहुत जगह भी देता है दोस्तों, इसीलिए वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये व्हिस्की के लिए बेस्ट ग्लास है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। यही था एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हिस्की ग्लास। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे चैनल भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय कर देता हूँ, बाय बाय।